हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कोमल अहमद व्लॉग्स। क्या हाल चाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से हम लोग भी ठीक हैं। मेरे चैनल पे फर्स्ट वीडियो है जब का रमज़ान स्टार्ट हुआ है, तो मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला सबके रोज़े, सबकी इबादत को अपनी बारगाह में यही मेरे कबूल मंजूर फरमाए। प्यारा सा रमज़ान है, बारिशों बुरशों के मौसम है, वेदर टू मच, बादल ही बादल हुए हुए हैं। तो किचन में तो बस आजकल आलू प्याज धनिया ये वही चीज़ें चलती रहती हैं। अभी मैं आई थी किचन में, मैंने कहा अफ्तारी स्टार्ट करती हूँ, टाइम तकरीबन 4 बज गए हैं। तो चलो आज मैं बना रही हूँ जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। कल भी मैंने कहा था यार पहले रोज़े, फिर तो रूटीन इस तरह की बनी रही। अभी आलू काटते हैं पकौड़ों के लिए और फिर आगे जो बनाती हूँ वो फिर आज आपके साथ शेयर करूँगी। दोनों लगे हुए हैं बाहर जनाब, बदतमीजे हो गए हैं वो, दोनों घुस जाते हैं कभी किसी कोने में कभी किसी कोने में। इन लोगों को हम ढूंढते रहते हैं कि किधर गए हैं किधर गए हैं। बाबा किधर है? अच्छा यार ये मैं बना रही हूँ पकौड़ों का सामान, तो कोई बात नहीं। नहीं ये जूस वाला नहीं है, भाई पौधे के ऊपर ना बीज लगे हुए हैं तो वो तोड़ के लाती है, कहती है इसका जूस बना के दो। ये मैं प्याज काट रही हूँ पकौड़ों के लिए। तो हम इसको काटेंगे, आलू काट रही थी ये जनाब बाहर, ये देखो इसको, इसका रोज अफ्तारी होगी इसकी। इसके मुँह में तो नहीं है, है ठू कर दो नहीं है, फंसा लिया नहीं है। चलो जी मेरे आलू कट हो गए, प्याज कट हो गए हैं, अब धनिया कट करते हैं। चलो गाइस अब हम लोग रेसिपी तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने चीज़ें ले ली हैं, नमक चाहिए था, ज़ीरा चाहिए था, अजवाइन चाहिए थी और मैदा चाहिए था, ठीक है ना। अब इसमें तकरीबन जो है ना एक प्याली के बराबर जो है ना हमने लेना है मैदा। थोड़ा इस तरह का हो गया, अब इसको हम ढक के रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, ठीक है। फिर आपसे मिलते हैं। आलू उबाइल के लिए थे, अब इसको हम लोग छील लेंगे। मैश कर लेंगे हाथों के साथ, क्योंकि वो उसके साथ करो ना तो गुठलियाँ रह जाती हैं ब्रीक ब्रीक, हमने इनको सही से मैश करना है। चले जी ये हमारा मिक्स हो गया। चलें गाइस इसको रखे हुए तकरीबन, क्या करना है छोटी छोटी जो आप रोटी बनाते हैं ना उसका तकरीबन आपने चौथा हिस्सा ले लेना है, ठीक है। इसको हाथों से ना कैसे छोटा सा पेड़ा बना लेना, ठीक है। मैं एक दो आपको सामने बना कर दिखाती हूँ। ये हम डल गिराएंगे आटा और इसको हम जो है ना बेल लेंगे, ठीक है ना। कभी कभी ना क्या कहते हैं गोल नहीं बनती, लेकिन कोई मसला नहीं है इतना, हाँ जैसे भी बनेगी। ये इसको हम ऐसे बना देना, आप हाथ के साथ भी कर सकते हो वैसे, ठीक हो गया। साथ हमने पानी रख लिया थोड़ा सा साथ,
इसको हम लोग लेंगे ऐसे, इसको गोल करेंगे, ये जो हमने बना के रखा था, डो बनाई थी जो तैयार की थी, इसको हम लोग करेंगे, इसके अंदर फिलिंग करेंगे, ठीक है। इसको अपनी साइडों से ना पानी लगा देना, ठीक हो गया। यहाँ से आपने ऐसे जो है ना इसको करना है कि ये एक दूसरे के साथ ना सही से चिपक जाए। ये लें जी, ये मेरी होगी तैयार। अब इसको ये करना है क्या है कि आपने ये सारी चीज़ें इसमें भर के ना तो इसको बेल लेना है। इससे होगा ये कि इसकी डो थोड़ी सी तंग करेगी, क्योंकि प्याज वगैरह होता है ना बीच में। बस ये जो निकला है इसको निकाल लेते हैं। बस ये हमारी एक कचौड़ी होगी तैयार, मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। कचौड़ियाँ तैयार कर ली हैं, अब इसको लो और मीडियम फ्लेम पे पकाना, ठीक है ना। ये दो ज़्यादा बड़ी बन गई थी, मैंने पहले डाल, वही बस 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 ज़्यादा ना डाल, बस ये अब इनका कलर देखना ऐसी खस्ता बनेगी, आय हाय हाय मज़ा आ जाएगा। चलो अब आप बनाती हूँ मैं, फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये गाइस देखो, चेक करो फाइनल लुक है ना, मज़े की लग रही है ना ये देखो, खस्ता मज़ेदार। यार क्यों खराब कर रही है, इतनी मेहनत ना मैं बनाए। अच्छा, इसके साथ मैंने ये थोड़े से स्नैक्स बनाए हैं, अभी कुछ बन रहे हैं, ये भी बड़े मज़े के बन रहे हैं, कल इनकी रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। इस साइड भी मैं चल 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 निकल यहाँ से। चलो अब रोज़ा शोज़ा खोलते हैं, फिर नमाज शमाज पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। सो गाइज, आज आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी जो शेयर की, बताना कैसी लगी है। छोटी सी रेसिपी थी और बड़े मज़े की बनी थी। मेरी रमज़ान जब का शुरू है, मेरी चैनल पे फर्स्ट वीडियो, आप सबको रमज़ान मुबारक हो, जो दौड़ों से गुजरे हैं वो भी मुबारक बैठे। हेलो गाइज, ओके गाइज, और अभी हम चलते हैं और मैं जा रहा हूँ, डर गया। कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपी छोटी छोटी लेके आती रहूँ। तो क्या कहते हैं, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल, कमेंट कर देना। ओके, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।